पंजाब दे विच डीएपी का संकट लगातार गहराउंदा जा रहा है ते इस नूं लै के किसानां दा गुस्सा भी भखदा जा रहा है। वख-वख थावां ते किसानां दे वलों दी पंजाब सरकार दे खिलाफ मुजाहरे कीते जा रहे ने। डीएपी दी किल्लत नूं लै के मानसा ते मुक्तसर दे विच किसानां ने रोस मुजाहरा कीता। मानसा च रेलवे ट्रैक ते किसानां दे वलों दी धरना लगाया गया तां मुक्तसर दे विच किसानों ने खेतीबाड़ी विभाग के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया, उस दफ्तर में ताला लगा दिता। किसानों का इल्जाम है कि डीएपी की कालाबाजारी हो रही है जिसके करके उन्होंने खज्जल खुआर होना पै रहा है, उन्होंने डीएपी नहीं मिल रही। सरकार के खिलाफ उन्होंने अपना रोस जाहिर किया, कालाबाजारी का इल्जाम जो है लगाया जिसके करके खज्जल खुआर हो रहे हैं। सो लगातार किसान सड़कों पर ने, डीएपी का संकट जो है पंजाब दे विच गहराउंदा जा रहा है। दो तस्वीरां ने मुक्तसर दे विच खेतीबाड़ी महकमे के दफ्तर नूं जंदरा जो है वह लगा दिता गया किसानों वालों। मानसा दे विच रेलवे ट्रैक ते जिथे रैक उतर रहे सन डीएपी खाद के उत्थे किसान इकट्ठे हो गए तो उन्होंने कहा कि इत्थों दी बाहर जो है ये डीएपी दीआं बोरियां नहीं जाण दित्तीआं जाणगीआं। किसानों का इल्जाम है कि सूबा सरकार की नलायकी करके उन्होंने ये मुश्किल झलनी पै रही। जिहड़ी डीएपी हैगी इन्हां दी चोर बाजारी जोरां ते है और इन्नी चोर बाजारी इन्हां दी अज किसान 2-2 हज़ार दी गट इन्हां नूं किसानां नूं डीएपी दा दे दित्ता जा रहा है। ये सरकार नूं दस देना चाहुंदे आ भी जे खाद पूरी ना करी तां 2 दिनां दे विच सारा चक्का जाम कर दांगे। इन्हां दी जिहड़ी वंड प्रणाली है वह बिल्कुल गैर वाजिब है। यह पहला भी जिहड़े 2 रैक लगे ने वह भी मानसा जिले दे विचों बाहर रामपुरे ते होर थावां दे उत्ते पहलां भेज चुके ने। जो उपरती हो के आई है चंडीगढ़ तो ये बरनाले की हैगी 800 मीट्रिक टन बरनाले की है, ये उपरों ही लौट हो के आई है। किसानों को हुण समझा दिता गया वा, जिहड़े यूनियन वाले भी आए से उन्होंने भी गल हुई है तो उन्होंने समझा दिता गया कि उत्थे भी फार्मर की ही जानी है। ये डीएपी खाद का जिहड़ा कल धांधलीबाजी की प्रशासन की मिलीभुगत नाल जिहड़े खाद विक्रेता ने, साडी मंग है कि उन्होंने साफ सुथरा खाद में वंडिया जाए। किसानों को जिहड़ी खाद पूरी की सप्लाई दी जाए, मान लो जो 50% किसान दुकानों से मिलती 50 सैटियां पर भी वंड जी 5% ही किसानों तक गई, जी 45% चोर बाजारी की गई। अजे किसी भी भरोसेयोग अधिकारी ने यह विश्वास नहीं दवाया भी असी खाद का इंतजाम करके किसानों देवे। अजे तो लॉलीपॉप दिए जा रहे पर असी वो लैके वापस नहीं जावे, असी अणमिथे समय का धरना लाया। जदों भी इतने रैक लगेगा फिर सारा खेतीबाड़ी विभाग किसान जथेबंदियों के आगू साहबान तो डीलर साहबान जो भी वो प्रोग्राम बनाओगे जिवें उन्हां दी तसली होगी उन्हां दी तसली दे अनुसार असीं खाद दी फिर वंड करांगे। सो संकट गहराउंदा जा रहा है। पंजाब दे विच कुल जरूरत जो है 5.50 मीट्रिक टन की है, हुण तक जो है 2 लाख टन सप्लाई हुई है। सो पंजाब दे विच डीएपी की होर डिमांड जो है वह 3.5 लाख टन की है। फाजिलका च डिमांड 35,000 टन की है जबकि 12,200 टन सप्लाई हुई है। रोपड़ दे विच 10,000 टन की डिमांड है, सप्लाई 7,000 हुई है। नवांशहर च 12,000 डिमांड जो है, सप्लाई 4,500 टन हले तक हुई है। गुरदासपुर दे विच 25,000 टन की जो है डिमांड है, 7,000 टन इत्थे सप्लाई हुई है। इसे तरह के नाल कपूरथला हुशियारपुर दे विच भी जो है डिमांड नालों सप्लाई जो है अद्धे नालों भी घट हुई है, जिसके करके संकट जो है गहराया है। किसान परेशान ने। मोगा दे विच 28,000 टन की डिमांड है, 17,236 टन सप्लाई की गई है। फरीदकोट दे विच 10,000 की डिमांड है जबकि 6,000 टन हाले तक सप्लाई की गई। तो इस बारे होर ज़्यादा जानकारी दे